इस टाइम रैली जो है सेंट्रल क्रॉस से निकल चुकी है और आवाम का बहुत बड़ा हजो इस रैली में शामिल है और रैली को बिल्कुल नज़्म व ज़ब्त के साथ निकाला जा रहा है। ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕਾਦੇ ਬਦਰੀਆ ਬੋਲੋ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢੀ ਵੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕਾ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸਲਵਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਾਫੀ ਤਦਾਦ ਮੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ और हमारा रैली निकालने का मकसद ये है कि नेक्स्ट हमारे आज़ाद कश्मीर में ऐसा कोई केस न हो और मुजरम को हम कैफे करदार तक पहुँचाएँ। और जैसे कि आपको मालूम है कि 8 साल कोरोना केस जो अभी तक क्लियर नहीं हो रहा था फहीम का, आज इस केस में फहीम के केस को भी साथ लेकर चल रहे हैं सारे। और इसमें कह रहे हैं कि फहीम के कातिलों को भी साथ फांसी दी जाए क्योंकि उसका वालिद मोहतरम भी 8 साल से जो है ना इस कोशिश में है कि इंसान को इंसाफ मिले, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। और साथ साथ हम अपडेट्स आपको पहुंचा रहे हैं इस टाइम हम रट्टा बाज़ार से गुजरने वाले हैं और ये रैली बहुत पुरअमन तरीके से अपने मंजिल की तरफ गमजन है। ये जो रैली नज़र आ रही है ये रैली कोई सियासी रैली नहीं है, ये कमल मतलूब के हवाले से उसको इंसाफ देने के हवाले से ये रैली निकाली गई है जो डडियाल के रास्ते की तरफ गमजन है। हम साथ साथ आपको अपडेट्स दे रहे हैं, मज़ीद अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कमल मतलूब के हवाले से जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आप तक पर वक्त पहुँचाता रहेंगी। हाय 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 हाय
फांसी दो, कुत्ते को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इस टाइम हम रट्टा बाजार से अब पुरअमन तरीके के साथ रैली डडियाल की तरफ कब्जा करके जा रहे हैं। ये मनाजर रट्टा के मकाम से आपको नजर आ रहे हैं। गाड़ियों और साइकिलों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जो कवल मतलूब के इंसाफ के लिए जा रही है रैली। किसी रुकावट के साथ पुरअमन तरीके से हम रैली को लेके जा रहे हैं। आपको बताते जाएं कि कुछ देर के बाद हम बलौर बाजार में पहुंचने वाले हैं और बहुत ही पुरअमन तरीके से ये रैली अपने रास्ते की तरफ गमजन है। गड्डी उठ सारा सर कश्मीर को नहीं सब बजे चने कश्मीर को इंसाफ दो, कश्मीर को इंसाफ दो, कश्मीर को इंसाफ दो, कश्मीर को इंसाफ दो, हरी बहन को इंसाफ दो, हरी बहन को इंसाफ दो, कमल मतलूब को इंसाफ दो। बाजार के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं।
कुछ ही लम्हात के बाद हम बलोट बाजार में पहुंचने वाले हैं। जैसे कि आपको फील्ड पहुँच जा रहे हैं, इस टाइम हम बलोट बाजार में बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। इस टाइम आपको अपडेट देते रखे हैं कि सदाए हक की टीम भी हमारे साथ शामिल हो चुकी है। सदाए हक के कारकुन भी हमारे साथ इस टाइम शामिल हो चुके हैं हमारी रैली में। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि बलोट बाज़ार में दुकानें बंद की जा रही हैं। और इस टाइम हम बलोट बाजार में पहुंच चुके हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में ये रैली जडियार की तरफ गमजन है और साथ साथ हम आपको न्यू अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। इस टाइम ये रैली बलोट बाजार के मुकाम से गुजर रही है बड़ी तादाद में। नजरत का ख्याल रखते हुए ये रैली निकालने का मकसद हमारा ये नहीं है कि किसी को कोई तकलीफ पहुंचे, बल्कि कबर मतलब और इंसाफ दिलाने के लिए रैली हमने निकाली है। तो यहाँ से हमें हम आपको अपडेट देते हैं कि यहाँ से कमल मतलब की फैमिली भी पहुँच चुकी है। मुकम्मल तौर पर बाजार में स्ट्राइक की हुई है। अंजुमे ताजरान ने बिल्कुल अपनी दुकानें बंद की हुई हैं। हम लाइव अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। आगे इंतजामिया की टीमें खड़ी हैं, मौजूद हैं, साथ पुलिस अहलकार एम्बुलेंस भी मौजूद हैं। अगर कोई हादसा पेश आता है पुलिस अहलकार भी शामिल है। साथ साथ इस रैली को मुकम्मल करने के लिए पुलिस अहलकार के साथ साथ एम्बुलेंस हाय 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 हाय
जैसे कि हम आपको अपडेट्स पहुँचाते रहे हैं, अभी तक थोड़ी देर के बाद हम कचहरी के पास, कचहरी रोड के पास पहुँचने वाले हैं। पुलिस सरकारों के साथ साथ एम्बुलेंस की भी मौजूद हैं। अपडेट्स देते जाएं, इस टाइम हम बिल्कुल नडियाल बाज़ार के पास पहुंच चुके हैं। कुछ लम्हात के बाद हम बाज़ार नडियाल बाज़ार से इस रैली को निकल गुजरेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में जो है ना रैली नडियाल की तरफ गमजन है। बहुत बड़ी तादाद में आवाम नज़म का रखते हुए अपने मंदिर की तरफ कमजन है। तालीम को, कुत्ते को, फांसी दो, तुम्हारे प्यादों लिखे।